नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित समीर शिखर जी को लेकर विवाद गहरा गया है। जैन समाज के लोग समीर शिखर जी के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाने और गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। समीर शिखर जी को पर्यटन स्थली घोषित किए जाने का जैन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। जैन समाज के लोग समीर शिखर जी को अपना पवित्र तीर्थ स्थल बताते हुए इसे बचाने, इसे संरक्षित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समीर शिखर जी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के फैसले का विरोध कर रहे लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था पर आघात बता रहे हैं। इसी को लेकर पूरे देश भर में कई प्रदर्शन किए गए थे। आज इंदौर के जैन समाज में भी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की और जैन समाज ने अपनी बात रखी। इस पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मेरी दिल्ली में कई नेताओं से बात हुई है और केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को एक पत्र भी लिखा है जिसमें जारी गजट नोटिफिकेशन में संशोधन की बात कही है और जल्दी इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार जैन समाज के साथ और भगवान के इस पवित्र स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जैन समाज के लोग इंदौर सांसद का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी बात इंदौर सांसद में केंद्रीय स्तर पर रखी है, हम धन्यवाद करते हैं। पिछले 7 तारीख को जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल जब मुझसे मिला था समय शिखर के बारे में कि उसको जो गजट नोटिफिकेशन निकला है वो पर्यटन स्थल के लिए निकला है और वन मंत्रालय का वो गजट नोटिफिकेशन था वो झारखंड सरकार की अनुशंसा पर निकला था। निकला पूर्व में था लेकिन जब जानकारी में आया तुरंत हमने माननीय मंत्री जी से इस विषय से बात की और माननीय मंत्री जी ने तुरंत उसी समय अधिकारी को निर्देश दिए और अधिकारी के साथ हमारी लगातार 3 बैठकें हुई। उसमें दिल्ली के जो जैन समाज थे यहाँ से बुलाना संभव नहीं था इतनी जल्दी, तो दिल्ली के जो जैन समाज के लोग थे उनके साथ हम बैठे थे और उन्होंने जो जो मांग रखी थी उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। पहला पत्र उन्होंने झारखंड सरकार को लिखा जो हमने मांग की थी और उसके आधार पर झारखंड सरकार के संशोधन की बात कही गई थी। क्योंकि पिछले 3 दिनों पत्र के 3 दिन बाद भी झारखंड सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद कल एक पत्र और केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड के मुख्य सचिव को गया और हमारे कल्चर मिनिस्टर ने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा है और जो देश में जैन समाज की मांग हो रही है और इंदौर में भी जिस प्रकार जैन समाज ने मांग की थी वो सब बातें उसमें हैं और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार इस पर संशोधित प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेगी और उस अनुसार आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है, जो जैन समाज चाहता है हम उनके साथ हैं और उसी अनुरूप रहना चाहिए जैसा उसका स्वरूप था। हमारा पूरा दिगंबर जैन समाज आज सांसद जी से मिलने आए हैं। हमारा समय शिखर तीर्थ क्षेत्र है जहाँ से हमारे कई भगवान मोच गए हैं, उस पर झारखंड सरकार पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। उसी का विरोध सतत जारी है और पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं और उसी को लेकर आज हमारा पूरा समाज, मैं भी एक्चुअली मैं अपने जैन समाज का पूर्वी क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, उस नाते हम भी पूरे समाज के संग हमारे भी ट्रस्टी आए हुए हैं और हम उसका विरोध कर रहे हैं और उन्हीं से निवेदन करने आए थे कि इसको संसद में रखकर और इसका निराकरण किया जाए और हमारा जो तीर्थ स्थल है वो तीर्थ स्थल ही रहे, उसे पर्यटन स्थल नहीं बनने दिया जाए, उसी का विरोध यहाँ पर चल रहा है। उन्होंने बोला है कि पूरा केंद्र सरकार हमारे साथ है और झारखंड सरकार को उन्होंने काफ़ी पत्र भी लिखे हैं कि इसको तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रतीक और सबसे बड़ा जैनियों का तीर्थ स्थान है। उन्होंने बोला पूरी बात हम जोर शोर से संसद में रखेंगे और जैन समाज के पक्ष में ही निर्णय होगा, ये अभी हमारी चर्चा हुई है पूरे समाज के सामने। मैं राजीव जैन अध्यक्ष गेटवे श्री जैन समाज इंदौर एवं पार्षद वार्ड क्रमांक 50 इंदौर, विधायक प्रतिनिधि विधानसभा 5 इंदौर। आश्वासन नहीं, हमें तो विश्वास दिलाया उन्होंने और हमारे सांसद महोदय से हम इतने संतुष्ट हैं कि जो कुछ कार्रवाई उन्होंने करी है निश्चित रूप से हम उससे अवगत में हैं। 7 तारीख को जब हम सांसद महोदय से मिले थे और उन्हें ज्ञापन दिया था और उनको वस्तु स्थिति बताई थी तो वो खुद आश्चर्यचकित थे कि समीर शिखर जी जैसे स्थल को पर्यटक स्थल कैसे घोषित कर दिया, क्योंकि सांसद महोदय ने लाखों लोगों को स्टेशन से समीर शिखर जी के लिए छोड़ा है, विदा किया है वहाँ से, इसलिए वो जैन समाज से पूरी तरह से वाकिफ है। हमने उनसे यही कहा कि अगर झारखंड सरकार इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है तो केंद्र सरकार अपने भारत सरकार के जो राजपत्र में नोटिफिकेशन किया है उसको रद्द करे और इसको वापस पर्यटक स्थल घोषित नहीं करके जैसी स्थिति समीर शिखर जी की आज है वैसी ही स्थिति को बनाए रखे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।